नमस्कार, सिर राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभीर और करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। बारह के अट्रू में विवाह समारोह में खान मंत्री प्रमोद चंद भाया और विधायक पाना चंद मेघवाल ने जमकर ठुमके लगा। मांगरोल में प्रेम में असफल रहने पर एक युवक ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़। सिरोही जिले के तलहटी में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। देवली शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पलभर में मालिक की आंखों के सामने से बाइक चोर। बारा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कोटा में छात्रा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। निहाल देवी के मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान विधायक निर्मला सहरिया ने शानदार डांस किया। जानलेवा हमला करने के मामले में बीते एक साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच की। सुहागपुरा के ससुरिया गांव में बन रहे बांध का विधायक रामलाल मीणा ने जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने थाने का भ्रमण किया। डूंगरपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आयोजित किचन गार्डन प्रशिक्षण शिविर का समापन। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में बारह सुशीसन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। डूंगरपुर जिले के आसपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली। डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा में विद्या भारती सेवा संस्थान ने हिंदू समाज और धर्म के संरक्षण को लेकर चर्चा की। नागौर जिले के प्रवत्सर के भजन गायक कलाकार चुनीलाल बिकुनिया का बाड़मेर में तेजा दर्शन महोत्सव में सम्मान। नागौर जिले के प्रवत्सर के रॉयल सैनिक स्कूल के वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। जयर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। नागौर जिले के बेरासर में ग्रामीणों ने वीर तेजा गौशाला निर्माण की नींव रखी। नागौर जिले के जायल में मॉडल स्कूल की छात्रा डिंपल जांगड़ ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में दो औषधीय पौधे लगाए। मंडरायल थाने में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन। जोधपुर जिले के तिवरी में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पिछली आग के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक पर सवार एक बालिका की। दिलवासनी गांव में पानी की टंकी जर्जर होने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में नशे में धुत कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। जोधपुर के बाप में ऋषि गोपाल गौशाला में गायों को सेठ तनसुख खत्री ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर शाही लापसी खिलाई। जोधपुर के बावड़ी में खस्ताहाल सड़क वाहन चालकों के लिए बने परेशानी का सबब। जोधपुर के फलौदी में नव भारत जागरण भारती का विस्तार किया गया। जोधपुर के फलौदी में प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत पट्टे बांटे गए। जोधपुर जिले के ओसिया में राजकीय विद्यालय के खेल मैदान के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार हादसे को दे रहे न्योता। सत्यम एजुकेशन द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बीकानेर जिले के गजनेर गांव में उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। बीकानेर जिले के खाजवाला में बिजली का तार टूटने से मकान में लगी आग। बीकानेर जिले के नोखा में श्याम सुंदर व्यास की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। बीकानेर जिले के नापासर में चोरों ने एक ही रात में तीन घरों को बनाया निशान। दिल्ली अजमेर हाईवे पर लक्ष्मी नारायणपुरा के पास देर रात को सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रेलर टायर फटने से पलट गया। दौलतपुरा पुलिस ने मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत लुड़ावास गांव में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। रीको सड़क के किनारे कचरे के ढेर में लगी आग। चौमू थानाधिकारी हेमराज ने स्कूल में छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। रावतभाटा में अखिल भारतीय मराठी सामाजिक संस्थान की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में सेवा भारती द्वारा संचालित बाल संस्कार केंद्र पर शिवाजी की जयंती मनाई गई। खातीखेड़ा में प्रसिद्ध घाटे वाले माताजी मंदिर परिसर में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आत्मनिर्भर भारत आमुखी योजना कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से राजकीय महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण का कार्यशाला आयोजित। अजमेर जिले के सरवाड़ में अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने पदभार ग्रहण किया। सराना किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष बालूराम टीचर ने सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा निभाने की मांग की। सरवाड़ समेत क्षेत्र के सीएचए संविदाकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान पेंशनर समाज की कार्यकारी बैठक अध्यक्ष नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित। अजमेर जिले के ब्यावर में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई। इंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपी जावेद को जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया। बूंदी जिले के इलाके में एसीसी अस्पताल में ईएसआई से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी देने के लिए शिविर लगाया गया।
जिला अस्पताल में पूर्व चेयरमैन इब्राहिम गांधी की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन। कोटा में छात्रा की हत्या के बाद लोगों में रोष, किशोरी के जन्मदिन पर लोगों ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। दौसा जिले के लालसोट में 4 कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, 10 लाख का नुकसान। दौसा जिले के बिंदरवाड़ा गांव में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। अल्ट्रा रनर सूफिया खान दौसा के सिकराय पहुंचे। दौसा के धनावाड़ गांव में अटल सेवा केंद्र पर मनरेगा में काम नहीं मिलने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सरकारी स्कूल में पुलिसकर्मी ओम प्रकाश मीणा ने अपने माता पिता की स्मृति में 5.5 लाख की लागत से बनाए कमरे। झुंझुनू जिले के सिंगनौर में मनभरी देवी महिला महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। गोपालपुरा के पूर्व हवलदार पहलवान हनुमान यादव के पोते का भारतीय अनुसंधान केंद्र इसरो में हुआ चयन। झुंझुनू जिले के छावसरी में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का नागरिक अभिनंदन। झुंझुनू जिले के काकराय में 30 वर्षीय वीर सैनिक संजय शर्मा देश की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त। शहीद दिलीप कुमार राजकीय विद्यालय के 2 छात्रों को नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप 2021 के लिए चयनित किया गया। भरतपुर के नंदबाई में धनगर गाडरी समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। जैसर के कीर्ति पब्लिक स्कूल में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में ग्रामीणों के जन सहयोग से गौशाला निर्माण की नींव रखी। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में गांव अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत। श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर में आयोजित अंतर महाविद्यालय पंचक सिलेट और क्वान की 2 मार्शल आर्ट खेल में साधु शहर की छात्राओं ने दमदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन। आम रास्ते पर गंदगी का अंबार रहने से राहगीर है परेशान। गोविंदगढ़ के जयसिंहपुरा बड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर भीम जागरण किया गया। अलवर जिले के नारायणपुर में सरसों के बाद गेहूं की फसल भी लहलहाने लगी है, बंपर पैदावार की उम्मीद। अलवर जिले के राजगढ़ में राष्ट्र कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिले के खैरथल में पानी की टंकी में हो रहा रिसाव, शिकायत के बाद भी पीएचईडी का ध्यान दिया। अलवर जिले के कठुमर में स्थानीय ने साफ सफाई रखने की अपील की। अलवर जिले के खेड़ी महिला महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में मनरेगा योजना के तहत विकास का काम जारी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बीचों बीच बने गड्ढे हादसों को दे रहे न्योता। दिल्ली जयपुर हाईवे के सर्विस लाइन में जलभराव के कारण टूटी सड़क। थानागाजी में विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। अलवर जिले के बैरूड में यातायात पुलिस के नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान बनाए। हिंडौन के शेरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कच्चे घर में आग लग गई। हिंडौन के सुरौट कस्बे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नाटक और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूकता फैलाई। हिंडौन सिटी में आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन। दोदो में श्रीमान ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्षेत्र के 200 प्रतिभावान विद्यार्थियों को 6,50,000 की छात्रवृत्ति से नवाजा। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने ग्राम सेवा सहकार समिति के नए भवन का लोकार्पण किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। राजकीय विद्यालय में SDMC और SMC के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। फुलेरा के निर्माण संस्था खंडेल की ओर से 49 परिवारों को खाद्य सामग्रियां बांटी गई। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, पिता की मौत। घोड़ा मलानी क्षेत्र में हुए फसल खराबे को लेकर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिले के पलासवारी पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किया गया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा कस्बे में महादेव मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के बोरिया गांव में स्थित सरकारी स्कूल के नवीन कक्षा कक्ष का लोकार्पण TAD मंत्री ने किया। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में सवारी से भरा ऑटो पलटा, एक युवक की मौत। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में सट्टा खेलते 15 जुआरी गिरफ्तार। ऑनलाइन लघु चलचित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। तारानगर के अंबेडकर युवा दल की प्रेरणा में मुस्कान प्रिंटिंग प्रेस के संचालक यूनुस खान ने SBI बैंक की शाखा को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की।
चुरू जिले के सुजानगढ़ में आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा के दौरान मंत्रोच्चारण किया गया। हनुमानगढ़ के कारागृह का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया। व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के नए प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। चलिए यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की। हनुमानगढ़ के एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों की प्री काउंसिल की। जैसलमेर जिले के पोखरण में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल उपयोगिता विभाग मंत्री शादी मोहम्मद ने तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने लाठी क्षेत्र के केराड़िया गांव का दौरा किया। जैसलमेर जिले के लाठी में टायर फटने के कारण श्रद्धालुओं से भरी ऑल्टो कार डिवाइडर पर चढ़ी। बाड़ी चिकित्सालय को मिली सोनोग्राफी मशीन। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा घोषित किए गए बीए द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के भीतर सैपाऊ के छात्रों का परिणाम 98% आया। भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर कोटा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की। भीलवाड़ा से लेकर गंगापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। आसिंद जिले के आसिंद में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए मोबाइल वैन रवाना। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर में बिजली विभाग का एक्शन। बकाया बिल होने पर कनेक्शन काटे। वजीरपुर थाना पुलिस ने मीना बड़ौदा में जंगलों में गुमशुदा व्यक्ति को महज 2 घंटे में दस्तयाब किया। सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर में एसडीएम जवाहरलाल जैन ने मांडा आश्रम छात्रावास वजीरपुर का निरीक्षण किया। जमवाई कॉलेज ने अवैध फीस वसूली के खिलाफ जांच समेत कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग। भरतपुर के नदबाई क्षेत्र के ग्राम पंचायत हंतरा में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऑफ सेवा केंद्र के तत्वाधान में शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर के पहाड़ी पंचायत समिति मुख्यालय के पास फैली गंदगी का एसडीएम संजय गोयल ने निरीक्षण किया। कामा के मुख्य मार्गों पर जमा कीचड़ आमजनों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब। मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। देवली शहर में सोने के व्यापारी ने ग्राहक के साथ की धोखाधड़ी। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल बेचते हुए 2 व्यक्तियों को दबोचा। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान भारत स्काउट गाइड संघ राजाखेड़ा के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कारस देव मंदिर पर वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई। सिरोही जिले के माउंट आबू में विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। सिरोही जिले के रेवतर में विधायक जगसीराम कोली ने मंडार पंचायत के कार्यक्रम में शिरकत की। उदयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक मनीष ने सलुम्बर कस्बे का दौरा किया। उदयपुर जिले के सलुम्बर कस्बे में नगर पालिका की टीम ने अवैध निर्माण को रुकवाकर निर्माणकर्ता को पाबंद किया। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर पुलिस ने नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। उदयपुर नगर निगम के अधिकारियों ने जिले का दौरा किया। उदयपुर जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में सड़क पर बने गड्ढों को नगर पालिका ने भरने का काम शुरू किया। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा में थाना निरीक्षक सतीश मीणा ने दलितों की स्थिति को लेकर बैठक की। यूजीसी नेट परीक्षा में भीलवाड़ा की बेटी अक्षिता दाधीच ने नृत्य ड्रामा थिएटर कला विषय में जेआरएफ क्वालिफाई किया। भीलवाड़ा जिले के आसंद में आबकारी विभाग की मिले भगत के चलते प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बेची जा रही शराब। सवाईमाधोपुर जिले के देवसेना संगठन जिलाधिकारी पद पर दीपक सिंह गुर्जर को नियुक्त किया गया। मामानवास में टेंट व्यवसायी और मुनीम की हत्या के बाद संवेदनशील माहौल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। खंडार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाली के नरोला गांव में अज्ञात बीमारी के चलते पिछले 4 दिनों से 60 से ज्यादा बकरियों की मौत। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में बेतरतीब खड़े वाहन और दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते आए दिन लगा रहा जाम। झालावाड़ जिले के रुडलाव ग्राम पंचायत के सरपंच हर्षिता झाला 23 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान संवाद करेंगे। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के बीते 1.5 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
झालावाड़ जिले के पड़ावा में 16 फरवरी को मधुमक्खियों के दंश से घायल हुए दिव्यांग युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान आज मौत। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। आरोपी ट्रैक्टर चालक भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली जिले के बाली में बलात्कार पीड़िता ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया, लेकिन आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। मुनियारा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मंदिर में हुई चोरी। सीताराम जी के मंदिर में चांदी का छत्र, चावर आदि चोर। पाली जिले के बाली में सनातन धर्म ने होली रोपण किया। टोंक जिले के टोडा राय सिंह में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बारा जिले के ठूसरा गांव में भागवत कथा का आयोजन।